सुना दी। सो रही थी, 9 बज गए हैं, आज ऑफिस नहीं जाना? हाँ वो कल मीटिंग है ना, उसकी तैयारी करनी है और पैकिंग भी करनी है। अच्छा तो मतलब हर बार की तरह कल फिर नहीं रहोगी, वेरी गुड। अरे मीटिंग कैंसिल थोड़ी कर सकती हूँ, और वैसे भी तुम्हारी एनिवर्सरी तो हर साल आती है। जब तेरी शादी होगी ना तब पता चलेगी एनिवर्सरी की इम्पोर्टेंस। जब होगी तब देखेंगे। अब कहाँ जा रही हो, वापस कब आओगी? मुंबई, संडे को। मुंबई? इतने सालों बाद विदु से मिलोगी? मेबी। विदु ने तो शादी कर ली ना, व्हाट इफ मिसेस विदु हैज अ प्रॉब्लम? तो मैं कौन सा अफेयर करने जा रही हूँ, और विदु अपने पुराने फ्रेंड से मिले, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? बहन जी आप फ्रेंड नहीं, क्लोज फ्रेंड थी। मेरी मानो तो अवॉइड मीटिंग है, कोई फायदा नहीं गड़े मुर्दे उखाड़ने का। हाँ तो ठीक है, नहीं मिलेंगे यार, दा मेलो ड्रामा। अच्छा ओके बाय। चल बाय। Dear Vidu, hope all's well. It's been 8 long years since we got in touch. I'll be visiting Bombay for work, so if I'm not intruding, I'd like to meet you. And your family? Love. See you soon. See you soon. For catching up with you, please send me details of arrival. Love, Vidu. Vidu. Hi, I'm Rena. Please come in. I'm Shubha, Vidu's wife. Hi. Hi. Ye Vidu hai. इसे क्या हो गया, इस पुट ऑन सो मच वेट। आई एम श्योर आप खाना अच्छा बनाती होंगी। ये आप क्या लगा रखा है, रिलैक्स। ये तुम 8 सालों में बिल्कुल नहीं बदली हैं आपने, मगर तुमने तो मुझे पहले कभी नहीं देखा। देखा है, विधु की आंखों से देखा है। तुम्हारी पिक्चर्स, कहानियां। ओ तो विधु ने बताया आपको हमारे बारे में इन डिटेल? पानी लोगी? यस थैंक यू। क्या बात है, बीवी से बनती नहीं तेरी जो मेरी किस्से सुनाता रहता है? भूल नहीं पाया तो मुझे? अरे यार एक बार बोल तो कर देता। पानी, मूछ में विदु लुक्स सो डिफरेंट नो। तुम्हें उसकी मूछें बिल्कुल पसंद नहीं थी ना, और उससे तुम्हारे लंबे बाल। ब्रेकअप के बाद उसने मूछें बढ़ा ली और तुमने बाल, सब बराबर। भाई मुझे तो मुच्छड़ बड़े हॉट लगते हैं। डैड आर्मी में थे ना, तो चारों तरफ मूछ वाले लेफ्ट राइट करते फिरते रहते थे। डैड का बड़ा मन था कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रही, पर मुझे पेंटिंग का शौक था तो आर्टिस्ट बन गई। ना बनती तो विदु से नहीं मिली होती ना। पता है मेरी पहली एग्जीबिशन थी, विदु से शूट करने आया था, बस हो गया, लव एट फर्स्ट साइड। तुमसे, तुम्हारी पेंटिंग से? तुम दोनों की कहानी तो लड़ाई से शुरू हुई थी ना? नहीं एक्चुअली हमारा भी लव एट फर्स्ट साइड ही था, बट किसी को बता नहीं सकते थे। कॉलेज इलेक्शंस पीक टाइम पे थे और हम दोनों राइवल पार्टी के कैंडिडेट्स दिन में एक दूसरे का गला काटने की एक्टिंग करते थे और रात को छुप छुप के एक दूसरे को गले लगाते थे। इस चक्कर में ना तो वो जीता ना मैं। तो हमारा भी लव एट फर्स्ट साइड। ऑफ कोर्स। हां भैया का फोन है। एक शो। हेलो। कुछ नहीं कर रही।
कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं बुरा क्यों लगेगा, मैं बता दूँ। रितु का फोन था? नहीं, मेरा भाई। तुम कितने दिनों के लिए आई हो? थैंक्स, संडे तक सोचा आई हूँ तो मिलके जाती हूँ। सो गुड टू फाइनली सी यू। आई एम रियली सॉरी बट मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। वो क्या है ना कि ब्रेकअप के बाद विधु एंड आई वी जस्ट डिडंट स्टे इन टच। और ये क्यों? किसी की गलती तो नहीं है? तुम दोनों के गोल्स ही इतने अलग अलग थे। या इतनी सिंपल सी बात समझे मुझे 8 साल लग गए। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल, सी द वर्ल्ड, स्टडी अब्रॉड एंड विधु वॉज जस्ट स्टक टू मुंबई। विधु को मुंबई से बाहर निकालना? ओह इम्पॉसिबल। अरे मैंने तो बहुत कोशिश की थी पर वो नहीं माना। फिर मुझे लगा शायद मैं इम्पोर्टेंट भी नहीं हूँ। नहीं नहीं तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंस थी। इनफैक्ट उसे तुम्हें कॉन्टैक्ट करने की काफ़ी कोशिश की पर तुमने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल सब चेंज कर दिया। बिल्कुल अंडरग्राउंड ही हो गई तुम। अरे हाँ हाँ पर अब तो ओवरग्राउंड हूँ ना, इसीलिए आई हूँ सारे गिले शिकवे दूर करने। बट मिस्टर हैं कहाँ? सीरियसली अभी भी ही हैज़ नो सेंस ऑफ टाइम। रहना विधु की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? विधु 7 महीने पहले। 7 महीने पहले? रोज की तरह वो साइकिलिंग करने निकला और सामने से बस। We couldn't even make it to the hospital. I have a mail from him. I wrote to him. ये है ना उसका ईमेल आईडी? vidhu_vibhyo@gmail। तो उसे लिखा है मुझे। He replied to me. वो reply मैंने भेजा था तुम्हें। क्या? तुमने reply क्यों किया? क्योंकि विधु को अच्छा लगता है इसीलिए। What are you saying? अभी बोल रहे हो विधु मर गया, अभी बोल रहे हो विधु को अच्छा लगता? Listen, I don't know if this is your idea of a joke, but it's not funny. It's quite disgusting. It's not a joke. Who was dead? मैं तो उस डेड तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने बताया क्यों नहीं? Why did you? तुमने झूठ क्यों बोला? तुम विधु के लिए बहुत स्पेशल थी रहना। Is this what this is about? कि मैं विधु के लिए कितनी स्पेशल थी? इससे तुमने वो झूठी ईमेल लिखी तो सेटल सम काइंड ऑफ स्कोर। आई शुडंट हैव कम हियर टू साइको। विधु की खुशी के लिए झूठ बोला मैंने? वो कभी नहीं चाहता कि तुम्हें इस पूरी खबर से अकेले डील करना पड़े। यू आर राइट, ही स्टिल हैड नो सेंस ऑफ टाइम। एकदम से चला गया। पहले पता होता तो सबको बाय बोल के जाता, तुम्हें बाय बोल के जाता रहना, पर उसे मौका ही नहीं मिला। दैट्स नॉट फेयर। कोशिश कर रही हूं कि जो कुछ वो छोड़ गया है उसे पूरा कर सकूं, ठीक उसी तरह जिससे वो करता। तभी तो उसके ईमेल्स, फोटोग्राफी कुछ बंद नहीं किया मैंने। मैं तो रोज उसके लाफ्टर क्लब जाके जोर जोर से विधु की तरह हंस लेती हूँ। Frankly, I used to hate it, but I'm sure अब वो मुझ पे हंस रहा है। Out of the blue तुम्हारी मेल आई, तो मैंने वो ही किया जो मुझे ठीक लगा, पर उससे तुम्हें तकलीफ पहुंची। Sorry. Please don't say that. जब विधु मेरा साथ छूटा तो समझ नहीं आया कि मैं हैंडल कैसे करूं। एक मैं हूं जो विधु को खोने के बाद उसकी मेमोरीज को इरेज करने में लगी हुई हूं, और एक तुम हो जो उसे अभी जिंदा रखे हो। ऑफिस से कॉल है, आई हैव टू गो। मुझे लगता है कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। व्हाट से? ऐसे। और हाँ ये न्यू लुक वाला विधु भी ले। ये तुम्हारा है? बहुत हैं ऐसे, कुछ मैं रखती हूँ कुछ तो।
वैसे मूंछों में इतना बुरा भी नहीं दिखता है ना। तुमने तो एक दोपहर में मेरी राय बदल दी।